नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गजाला प्रवीण। अपनी आवाज़ का जादू दुनिया भर में बिखेरने वाली लता मंगेशकर के लिए आज का दिन काफ़ी खास है। जी हां, आज स्वर कोकिला लता मंगेशकर का जन्मदिन है। आज लता दीदी 92 साल की हो गई हैं। इस खास मौके पर लता दीदी को देश विदेश से फैंस और बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोग उन्हें अपने अपने तरीके से बधाई दे रहे हैं। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लता मंगेशकर को जन्मदिन की बधाई दी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने उनके लिए खास ट्वीट कर उन्हें जन्मदिन की बधाइयां दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, आदरणीय लता दीदी को जन्मदिन की बधाई। उनकी सुरीली आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजती है। भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी विनम्रता और जुनून के लिए उनका सम्मान किया जाता है। व्यक्तिगत रूप से उनका आशीर्वाद महान शक्ति का स्रोत है। मैं लता दीदी के लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। पीएम नरेंद्र मोदी हर साल लता मंगेशकर को सोशल मीडिया के जरिए जन्मदिन की बधाई देते हैं। 28 सितंबर 1929 में मध्य प्रदेश के इंदौर में जन्मी लता मंगेशकर ने अपने करियर की शुरुआत महज 13 साल की उम्र से की थी। लता मंगेशकर अपने दौर की सफल गायिका रही हैं। लता ने अपने जीवन में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। उनके मशहूर गानों में एक प्यार का नगमा, लग जा गले, तूने ओ रंगीले जैसे कई बेहतरीन गाने शामिल हैं। गायकी के क्षेत्र में वो कई सम्मान भी पा चुकी हैं। गायकी क्षेत्र में अमूल्य योगदान देने के लिए भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। आज भी लता मंगेशकर के गानों को फैंस सुनना पसंद करते हैं। तभी तो लता मंगेशकर को बॉलीवुड की नाइटिंगेल के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि उम्र के इस पड़ाव में लता मंगेशकर कम ही गाने गाती हैं, लेकिन लता मंगेशकर सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर वो अपनी पुरानी यादों को शेयर कर फैंस संग जुड़ी रहती हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।